हेलो गाइज, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों जैलबा स्टाइल को लेके। आप लोग को जैलबा स्टाइल पे दोस्तों कुछ ऐसा अपडेट तो अभी तक नहीं आया, अगर अपडेट आता है तो मैं आप लोग को कुछ अपडेट देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि जैलबा स्टाइल के अंदर क्या हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों आज मैं आप लोग को बात करूँगा जैलबा स्टाइल में कि कंपनी आगे क्या ग्रो कर सकती है या बंद हो सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोग से बस ऐसे चीज़ें बात करने वाला हूँ जो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो शायद आपको समझना पड़ेगा जैलबा स्टाइल को और मेरे को, क्योंकि जैलबा स्टाइल दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। एक तरह से सोचिए तो समझ में आया होगा कि कंपनी कहाँ तक जा सकती है, कैसे आगे बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो शायद हमें समझना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक ना। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे जैलबा स्टाइल के बारे में बेटर से बेटर तरीके से। अभी दोस्तों साइट थोड़ा सा नहीं खुल रहा, तो वह साइट खुलता तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ अच्छे तरीके से कि जैलबा स्टाइल के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी अपडेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, हम लोग जैलबा स्टाइल के अंदर जितने भी कामें हो रही है या फिर लेट हो रहा है या फिर स्लो चल रहा है या फिर काम नहीं हो रहा है, तो कंपनी ने इसके पीछे थोड़ा सा वर्क कर रहा है। तो शायद मेरे को और आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों कंपनी नेक्स्ट लेवल पे काम करने वाली है, यकीन मानो। थोड़ा सा पेशेंस रखना हमारे लिए बहुत ही अनुभूति का काम है, तो पेशेंस रखना हमारे लिए शायद है अब ज़रूरी। तो शायद कंपनी अच्छे लेवल पे ग्रो करने वाली है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कुछ अपडेट आता है, लेकिन कुछ भी ऐसा कोई खास अपडेट नहीं आया। वैसे भी दोस्तों आज सैटरडे था, तो सैटरडे के दिन में अपडेट हमेशा आता है, लेकिन आज कुछ भी अपडेट नहीं आया है। तो शायद ये हमारे लिए समझो तो कुछ ऐसा चीज़ है कंपनी कि लोग खुश तो नहीं है अभी तक, मतलब कि 99% तो लोग हार मान चुके हैं जैलबा स्टाइल से, 1% लोग बाकी है, ठीक है। क्योंकि कंपनी सब कुछ कंपनी का बेटर है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जो कंपनी को देना चाहिए वो लोगों का उम्मीद भरोसा सब कुछ टूट रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अफकोर्स उम्मीद भरोसा दोनों टूटेगा, तो शायद हमारे लिए और आपके लिए बहुत बेस्टेबल चीज़ नहीं हो रहा है। तो लोगों का विश्वास जो कंपनी के ऊपर है वो कब तक बना रहेगा कोई गारंटी नहीं है। वैसे भी लोगों का उम्मीद तो आसरा ही छोड़ दी है जब हमको मिलेगा सब, बात सही है, क्यों ना आसरा छोड़े कि जो कंपनी को चाहिए वो मिले। देखिए, मेरे को अभी भी जो मैं बात करूँ तो मेरे को 50-50 चांस है। पहले तो 100% था, लेकिन अब मेरा 50-50 हो गया, क्योंकि कंपनी स्टार्टअप ही नहीं कर रही, कुछ भी ऐसा कोई भी इनकम नहीं। कंपनी बोल रहा रीलॉन्च करेगी यहाँ को, अभी तक रीलॉन्च करने में 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीना पहले ये बात चल रही थी कि रीलॉन्च करेंगे, अब 4 महीना तक अभी तक रीलॉन्च होते ही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। मैं आपको साइट भी खोल के दिखा दूंगा, तो वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। तो जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ कंपनी नहीं दे पा रही है, तो लोगों का विश्वास टूटेगा, तो ये चीज़ बहुत बड़ा मैटर करता है। लेकिन अभी तक कुछ भी कंपनी का एक भी सिस्टम स्टार्टअप नहीं हुआ है, तो लोगों का भरोसा कहाँ से होगा। यहाँ के अंदर भी साइट खुल नहीं रहा है, या फिर यहाँ रीलॉन्च पे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि कंपनी अब कुछ करेगी। पहले तो कुछ भी आता था, अब तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्टेबल चीज़ तो ये नहीं हो पा रहा है जो चाहिए। देखिए, यहाँ पे भी सब कुछ जो सिस्टम चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, कुछ भी नहीं है। मतलब मैं क्या बोलूँ, हर चीज़ में कंपनी को जो चाहिए वो चीज़ लोगों को नहीं मिल रहा है, उम्मीदें टूटते जा रही है, भरोसा टूट गया है पूरी तरह से। तो क्या करूँ, लोग को विश्वास नहीं हो रहा कि कंपनी भी ये चीज़ कर सकती है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ फ्यूचर शेयर की बात चल रही थी वो भी ख़त्म, कुछ भी नहीं हो रहा है कंपनी जैलबा स्टाइल के, बस नई नई चीज़ें लॉन्च हो रही है, लोग उसको खरीद रहे हैं। मैं बोलता हूँ पहले एक चीज़ें कर ले, उसके बाद सारी कंपनी को स्टार्टअप करता था, हर चीज़ लोग खरीदते। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि कंपनी जिस दिन रियल अगर स्टार्ट किया उस दिन सारे लोग तो काम तो करेंगे ही, और बीते सारे पैकेज लोग खरीदेंगे। विश्वास तो करना पड़ेगा ना, जब तक कंपनी स्टार्टअप नहीं करेगी तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। पता नहीं इस प्रोग्राम में इतना ज़्यादा क्यों समय लग रहा है जैलबा स्टाइल के अंदर काम करने में,
लोगों को यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा कि इतना समय भी लग सकता है काम करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए आई होप, थैंक यू, मिलता हूँ दोस्तों आप लोग से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा अपडेट मिलेगा, अगर कुछ भी ऐसा कंपनी को लेकर आता है तो आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।